our confidence would be high, it will be in the sky. Our confidence will be high, it will be in the sky when we have the right words at our fingertips. Hi friends, the grammar game के एक और lesson में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज what I am going to discuss today is very important thing. आज मैं आपको एक ऐसा शब्द बताने जा रही हूँ, एक ऐसा शब्द पढ़ाने जा रही हूँ जिसका स्पेल बिल्कुल सेम है, यानी कि प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके तीन मीनिंग्स हैं और वो तीनों मीनिंग्स आप अपनी डेली लाइफ में रोज यूज करते हैं, बट आप जब सुनेंगे तो एकदम से हैरान हो जाएंगे, एकदम से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अच्छा इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन ये होती है, इतना इजी है, मुझे तो पता ही नहीं था. हम तो रोज ये बोलते हैं, रोज इसको यूज करते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इतनी इजी होगी इस बार में मुझे नहीं पता था. वाओ, मजा आ गया. तो आज आपको मैं एक बहुत इंफॉर्मेटिव लेसन, इंफॉर्मेटिव वर्ड बताने जा रही हूँ और वो वर्ड इतना इजी है, इतना इजी है कि आपको सुनकर लगेगा ओ माय गॉड, इट्स सो कॉमन, इट्स सो इजी. इसका मतलब ये क्या होगा, ये क्या लेसन है, ये क्या वर्ड है, लेकिन उसके तीन मीनिंग्स अलग अलग हैं और तीनों मीनिंग्स आप रोज यूज करते हो. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं आपको बताती हूँ वो शब्द क्या है बिना किसी देर के. तो वो शब्द है एयर, ए आई आर, एयर. सुनते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, एयर को हम सब महसूस करते हैं. तो इस एयर का सबसे पहला मीनिंग है हवा. आप सबको पता है हवा. अब इसको कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, आज हवा में नमी है. देयर इज मॉइस्चर इन द एयर टुडे. हवा में नमी होती है. या फिर और भी कॉमन, हमारे चारों तरफ हवा है. देयर इज एयर अराउंड अस. सबको पता है. अब आते हैं हम इसके दूसरे और बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग पे. आप ध्यान से सुनिएगा और अपने आप को सोचिएगा, अपने अंदर सोचिएगा, अपने माइंड में सोचिएगा, क्या हम ये सेंटेंस, ये वर्ड रोज यूज नहीं करते. और एक बार ये भी सोचिएगा इस वर्ड को सुनने के बाद, समझने के बाद, कि क्या हमें इसकी इंग्लिश पहले से पता थी या हमारे लिए एक नया वर्ड है. तो दोबारा से बताती हूँ, एयर, ए आई आर, एयर, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया हवा. अब मैं फिर से बता रही हूँ, एयर, ए आई आर, एयर, इसका मतलब है, इसका अर्थ है प्रसारित करना, प्रसारित करना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ टीवी सीरियल्स. टीवी सीरियल्स के केस में इसको यूज किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडियन आइडल सोनी टीवी पर आता है, क्राइम पेट्रोल सोनी टीवी पर आता है. ये एक वर्ब है, तभी मैंने इसके साथ टू लगाया, टू एयर मैंने, प्रसारित करना, एयर, एयर, एयर. थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आर एयर, एयर, एयर. जो फर्स्ट ईयर मैंने आपको पढ़ाया जिसका मतलब है हवा, वो एक नाउन है. ये एयर वर्ब है, टू एयर, प्रसारित करना, एयर, एयर, एयर. ये एक वर्ब है, इसको हम टीवी सीरियल्स में यूज करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, क्राइम पेट्रोल सोनी टीवी पर आता है. हाउ विल वी ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, क्राइम पेट्रोल एयर्स ऑन सोनी टीवी, यानी कि क्राइम पेट्रोल को सोनी टीवी प्रसारित करता है. छोटी सरदारनी कलर्स टीवी पर आता है, यानी कि छोटी सरदारनी को कलर्स टीवी प्रसारित करता है. छोटी सरदारनी एयर्स ऑन कलर्स टीवी. ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्टार प्लस पे आता है, यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्टार प्लस प्रसारित करता है इस चैनल को, इस सीरियल को. कैसे यूज करेंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, एयर्स ऑन स्टार प्लस. तो बताइए दोस्तों, क्या हम रोज इस बारे में बात नहीं करते कि हम ये चैनल इस टीवी पर देखते हैं, ये वाला टीवी शो इस चैनल पे देखते हैं, क्या हम इस बारे में रोज बात नहीं करते. पर क्या हमें इसकी इंग्लिश पता थी, और अगर पता भी थी तो क्या हम इसे रोज यूज करते थे, नहीं करते थे.
इतनी सिंपल इंग्लिश जो कि हम लोगों को पता होते हुए भी हम रोज यूज नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में वो वर्ड एग्जैक्ट सिचुएशन पे एग्जैक्ट टाइम पे राइट टाइम पे आता ही नहीं। इसलिए ये भी एक टेक्निक है, मैं आज आपको टेक्निक बताऊंगी कैसे राइट सिचुएशन पे राइट वर्ड को यूज किया जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एयर का तीसरा मतलब बता दूं, तीसरा मीनिंग बता दूं, जो कि मैंने आपको इस सेंटेंस को शुरू करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताया था कि एक वर्ड में आपको ऐसा बताऊंगी जिसके तीन मीनिंग्स हैं। अब थर्ड मीनिंग द वर्ड इज एयर्स, AIRS, एयर्स। एयर्स का मतलब होता है नखरे करना। यहां पे एयर्स का मतलब है, अर्थ है, मीनिंग है नखरे करना। अब अगर हमें इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है तो क्या हम वो फर्स्ट वाला एयर यूज कर सकते हैं AIR, एयर हवा? नहीं कर सकते। क्या हम सेकंड वाला एयर यूज कर सकते हैं टू एयर प्रसारित करना? क्या यहाँ पे यूज हो सकता है नखरे करना में? वो नखरे करती है, वो नखरे दिखाती है, इसमें क्या वो प्रसारित करने वाला एयर यूज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसके लिए तीसरा वर्ड है एयर्स, AIRS, एयर्स। इसका मतलब होता है नखरे करना, नखरे दिखाना। लेकिन इन ऑर्डर टू गिव अ फॉर्म, इसको ट्रांसलेशन करने के लिए, इस सेंटेंस को फॉर्म में बनाने के लिए हमें इसके साथ एक वर्ब ऐड करनी पड़ेगी और वो वर्ब है टू शो एयर्स, टू शो एयर्स, नखरे करना। अब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। क्या वह नखरे करती है? शी शोज एयर्स। वह नखरे करती है, शी शोज एयर्स। तो दोस्तों वर्ड एक ही था एयर, पहला मीनिंग नाउन हवा, दूसरा वर्ब के साथ यूज हुआ टू एयर प्रसारित करना, और तीसरा नखरे ये भी वर्ब के साथ यूज हुआ टू शो एयर्स, यानी कि नखरे करना, नखरे दिखाना। ये तीन मीनिंग्स हैं जो अलग अलग यूज होते हैं, अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, लेकिन वर्ड एक है। तो दोस्तों राइट वर्ड, अगर हम राइट वर्ड को राइट सिचुएशन पे पुट करेंगे, अगर हम राइट वर्ड को राइट सिचुएशन पे यूज करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस दो दुगना, चार चौगना और बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। आवर कॉन्फिडेंस वुड बी हाई, इट विल बी इन द स्काई। आवर कॉन्फिडेंस विल बी हाई, इट विल बी इन द स्काई व्हेन वी हैव द राइट वर्ड्स एट आवर फिंगर टिप्स। जब हमारे पास राइट वर्ड्स फिंगर टिप्स पे होंगे तब हमारा कॉन्फिडेंस आसमान पे होगा, आसमान की बुलंदियों को छू रहा होगा। इसके लिए मैं आपको वीडियोस में और दिखाती रहूंगी, अपनी फोर्थ कमिंग वीडियोस में आपको बताती रहूंगी कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हैं, कैसे आप अपनी वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं और कैसे आप एक अंग्रेजी के बढ़िया वक्ता बनकर लोगों के सामने पेश हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी होंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल।